कॉन्ग्रेचुलेशन वेब दुनिया, आपके 18 साल पूरे हुए हैं एंड ऑल आई कैन से इज गुड लक फॉर फ्यूचर और ऐसे ही काम करते रहिए। थैंक यू। इस दिवाली पर अजय देवगन और रोहित शेट्टी की गोलमाल अगेन और आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार प्रदर्शित हो रही है। गोलमाल अगेन इस सीरीज की चौथी फिल्म है। पहले तीनों भागों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की थी। रोहित शेट्टी की इन फिल्मों में लॉजिक को छोड़कर फिल्म का आनंद लेने की बात की जाती है और दर्शकों को पता है कि वे किस तरह की फिल्म देखने जा रहे हैं। गोलमाल अगेन लगभग 100 करोड़ रुपए में तैयार हुई है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए विभिन्न राइट्स के बदले में आ गए हैं। बची रकम निकालने के लिए फिल्म को 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल बात नहीं है। अनुमान है कि फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन 30 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। पहला वीकेंड 75 करोड़ रुपए तक रह सकता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जोरदार ओपनिंग लेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बाद इसका टिके रहना गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों पर बहुत अच्छा असर नहीं छोड़ पाया। ऐसा लगा कि पुरानी गोलमाल की बातें ही दोहराई जा रही है। गाने भी पॉपुलर नहीं हुए, इससे फिल्म की ओपनिंग पर असर पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन दिवाली होने के कारण इन बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है। यदि फिल्म ने दमदार प्रदर्शन किया तो 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करना इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये बात तय है कि अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म यह बन सकती है। निर्माता के लिए तो यह मुनाफे का सौदा है, लेकिन देखना यह है कि वितरक कमा पाते हैं या नहीं।